उनसे अभी दूरी बनाए रखना ही अच्छा है आज जैसे कंज्यूमर स्टॉक्स हैं इंडिया में द डोमिनेंट थीम इज इंडिया कंज्यूमर इन द नेक्स्ट फाइव ईयरस विल डबल कि जो आज नो uh, टाटा you know, के चेयरमैन ने भी कहा कि जो मिडिल क्लास है वो डबल हो जाएगी बाय 2030। बट स्टॉक मार्केट डजेंट वेट फॉर प्रॉफिट टू कम इट डिस्काउंट्स इट इन एडवांस सो जो भी अपने होम कंजम्पन के कंपनीज हैं रेस्टोरेंट्स हैं रिटेल के शेयर्स हैं एफ एम सी जी के शेयर हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के शेयर हैं इट इज़ अ डोमिनेंट थीम एंड द मोमेंटम ऑफ अर्निंग इज देयर बट द मल्टीपल्स आर फैंटेस्टिक माने दस मिलियन प्रॉफिट कमाते हो और यू you नो know, दस हज़ार करोड़ की वैल्यूएशन होती है मेरा अगला सवाल इसी पर था कि yeah. क्या इंडिया में अब वैल्यू इन्वेस्टिंग डेड हो चुकी है पूरा मोमेंटम इनको कभी नहीं होता है अब अब इस इस दौर में मोमेंटम है तो मार्केट का साइकिल में हरदम ऐसे ही होता है कि शुरू में यू yeah. नो you know, रिप्लेसमेंट वैल्यू बुक वैल्यू ये yeah. सब पे ध्यान देते हैं एकदम डीप वैल्यू फिर वो आता है कि ग्रोथ एंड रीजनेबल प्राइस फिर आते आते हम लोग स्टार्ट थिंकिंग कि अब इसमें आगे में क्या हो सकता है लेट थिंक ऑप्शन वैल्यू और लास्ट फेज में मोमेंटम हो होता है hmm. तो अलग अलग सेक्टर में ये चल रहा है hmm. जैसे अनदर फेवरेट सेक्टर इज सेमी कंडक्टर ई एम एस एंड फॉर श्योर चालीस पचास परसेंट ग्रोथ इनमें अगले तीन चार साल में आई डोंट थिंक एनी प्रॉब्लम बट मल्टीपल भी सत्तर अस्सी के मल्टीपल हैं तो तीन साल में अगर फिफ्टी 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 परसेंट भी ग्रो हुए फिर भी दे विल एंड अप एट थर्टी मल्टीपल थ्री इयर्स फ्रॉम नाउ एंड हमने ये आई में भी देखा ना कि एक बार इन्फोसिस के भी सौ के मल्टीपल होते थे आज बीस के मल्टीपल पर किसको नहीं लेना है कंपनी तो वही है बहुत बढ़िया कंपनी है वेल वेल रन कंपनी है सो इवेंचुअली मल्टीपल्स कन्वर्ज टू रिटर्न ऑन इक्विटी कि आप अपने नेटवर्क पे आप क्या कमा सकते हो और नेटवर्क पे जो कमाई है अल्टीमेटली कन्वर्जेंस इज़ 15 टू 20 परसेंट ओनली तो बीस के मल्टीपल के ऊपर आप जो भी ले रहे हो यू शुड बी क्लियर कि मैं ये तीन साल पाँच साल आठ साल आगे देख के ले रहा हूँ और इस आठ साल में कुछ भी हेरफेर नहीं होनी चाहिए hmm. मेरे कन्विक्शन में भी और कंपनी के भी अर्निंग ट्रेजेक्ट्री में सो इट सुड्स ऐसे कुछ नहीं है कि आप ऊंचे मल्टीपल का शेयर लेके नहीं कमा सकते हो एक्चुअली द बेस्ट कंपनीज विथ हाई मल्टीपल्स इफ दे कंटिन्यू एट दैट रेट मैक्सिमम मनी वहाँ बनता है जैसे टाइटन का बहुत फेमस uh, एग्जाम्पल है राकेश जी ने बहुत कमाया टाइटन में इट वॉज नॉट अ चीप स्टॉक एट एनी टाइम एंड एज इट कंटिन्यू डिलीवरिंग यू नो यू कंटिन्यू टू मेक वेल्थ ओवर देर कमोडिटीज एंड बैंक्स विच एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूट वेरी लार्ज पार्ट ऑफ सेंसेक्स अर्निंग्स विच विल गिव यूर लिफ्ट टू सेंसेक्स अर्निंग्स एंड आर नॉट वेरी लव टू डे इंटरेस्टिंग बिकॉज

ऑयल प्राइस भी एकदम यू नो 82, 83 में जाके यू नो एक बार बस गए हैं बट ये जो मनी प्रिंटिंग है दिस इज कॉजिंग इन्फ्लेशन इन एवरीथिंग सो आपका कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन कॉस्ट ऑफ माइनिंग लेबर कॉस्ट एवरीथिंग इज गोइंग अप सो ये बिकॉज कोई करेंसी एडजस्ट नहीं करना चाह रहा है डॉलर के सामने और हम अपने यू नो इसमें की करेंसी रिजर्व बढ़ाते जाओ ये ब्लास्ट आता है दूसरे साइड से इन्फ्लेशन में सो इन्फ्लेशन इज वॉट इट्स अ बुल मार्केट इन कमोडिटी प्राइस हाँ, मनीष चौखानी इसके साथ वो डिटेल बातचीत आप कोर्स पूरे वीकेंड देखेंगे सीनमी से आवाज पर आप यूट्यूब पर भी देख पाएंगे लेकिन एक और हिस्सा इस कॉन्वर्सेशन का आगे भी कार्यक्रम में सुनाएंगे अच्छा इस बीच कविता जी